नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सत्येंद्र सेंगर। डालते हैं एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 30,000 रुपए के दो इनामी डकैत पुलिस की गिरफ्त में। जनपद पंचायत त्योंथर की अध्यक्ष गीता मांझी ने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देने की पेशकश की, सांसद पर लगाया आरोप। जनसुनवाई में जिले भर के लोग एकत्र हुए जिला कलेक्ट्रेट में। टीआरएस कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। स्टेचू चौराहे पर यातायात का दबाव कम करने के प्रयास में जुटी यातायात पुलिस। महज 8 महीनों में ही टूट गया 7 जन्मों का बंधन। काउंसलर की कोशिश रही बेकार। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन रहे प्रदेशव्यापी हड़ताल पर। ब्योहारी के पास टिहरी में ट्रक डंफर की भिड़ंत, डंफर ड्राइवर घायल हालत में पहुंचा संजय गांधी अस्पताल। नारी चेतना मंच ने मनाया अपना 23वां स्थापना दिवस। अतिथि शिक्षकों ने रैली निकालकर 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आंदोलन को लेकर सौंपा ज्ञापन। और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन बुधवार 21 फरवरी से रीवा में। स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज करेंगे भागवत कथा की रसवर्षा। और अब खबरें विस्तार से।